मनीषा, एक गिलास पानी देना। क्या कहा आपने? मैंने बोला एक गिलास पानी देना। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ जो तुम्हें पानी ला के दूंगी। और तुम्हें पता है ना कि मैं कितने बड़े घराने से हूँ। 36 नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मैं तुम्हें पानी ला के दूंगी। हुकुम तो ऐसे जता रही हो जैसे तुम यहाँ की महारानी हो और मैं यहाँ की नौकरानी हूँ। वहां तुम्हारा वो पति मुझ पे हुकुम जताता रहता है जैसे कि मैं यहाँ सबकी गुलाम हूँ। सबके काम का मैंने ठेका ले रखा है। मैं काम करूंगी। जब इतने नौकर लगे पड़े हैं तो उनसे काम करवाओ ना, मैं क्यों करूंगी। मनीषा, ये क्या तरीका है? सर पे पल्लू लो। ये फालतू के ड्रामे ना मुझसे नहीं होंगे, आप ही करो। मनीषा, मर्यादा में रहो। मर्यादा की रस्सी में तो आप जैसी अनपढ़ गवार जाहिल औरतें बंध के रहती हैं, मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न नहीं। अनएजुकेटेड इडियट्स। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एन इलिटरेट। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आई एम अवेयर ऑफ द मॉडरेशन ऑफ वुमेन, बट आई हैव नॉट फॉरगॉट माई कल्चर, माई ट्रेडिशन, माई कस्टम एंड माई वैल्यूज। बट मोस्ट ऑफ ऑल, आई नेवर एवर फॉरगेट टाइम इंडियन वुमेन्स। मॉडर्न जमाने की औरत भी औरत ही होती है। उसे भी मर्द ही ब्याह कर लाता है, ना कि वो मर्द को ब्याह कर लाती है। जमाने ख्याल और लिबास बदल देते हैं, औरत के शरीर की बनावट नहीं। और हाँ, लोग तुम्हारे जैसे ख्याल की लड़कियों को लज्जत के समान जरूर समझते होंगे, लेकिन इज्जत के काबिल नहीं। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनकी आंखों में हया हो, शर्म हो, लाज हो। हम नहीं कहते कि तुम बंदिशों में रहो, लेकिन अपने दायरे की सीमा को मत भूलो। लड़की जब अपने घर होती है तो उसके कांधे पे सिर्फ अपने परिवार का बोझ होता है, लेकिन जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो वो किसी घर की बहू बन जाती है और उसके कांधे पर एक नहीं, दो परिवार का बोझ होता है।